अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें एंड लाइक माय वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको डे मेकअप ट्यूटोरियल बता रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को फिलअप करूँगी, जो आपको नज़र ही आ रहा होगा मेरी वीडियो में। मुझे पेंसिल की हेल्प से बहुत अच्छा ईजी रहता है अपनी आईब्रो को फिल करना। अगर इसमें जहाँ भी हार्श या शार्पनेस नज़र आ रही हो तो मैं इसको विद द हेल्प ऑफ स्पूली ब्लेंड करूँगी, अपने हेयर्स को एक सीरीज़ में बिठा दूँगी ताकि वो इधर उधर मूव ना हो। स्मॉल छोटू साइज ब्रश से मैं इसको कॉम कर रही हूँ ताकि मेरी आईब्रोज एकदम सेट हो जाए और बिल्कुल केकी लुक ना आए, सॉफ्ट लुक और नेचुरल लगे। तो देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा कितनी अच्छी मेरी आईब्रोज एकदम से सेट हो गई हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं। आपके पास जो भी ब्रश हो, आप उसकी हेल्प से इसको इजीली फॉर्म कर सकते हैं। अब मैं अपनी आई को कंसील कर रही हूँ। ये मेरे पास क्रायलॉन, किस तरह भी आप प्रोनाउंस करें, एज ए कंसीलर मैं इसको अपनी आईलेट पर लगा रही हूँ। समर सीज़न में मैं इसको इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन से मुझे बहुत स्वीटनेस होती है, मेरी ड्राई स्किन है, लेकिन पाकिस्तान में एज़ यूजुअल गर्मी बहुत पड़ती है। अब इसको अपर साइड भी आप लगा लें अच्छी तरह से, स्लो स्लो इसको लगाती जाइए ताकि ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन में बहुत अच्छा सा लुक दे। विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर आप इसको ब्लेंड कर लें। डैम ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत लाइट डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने इसको लिया है और मैं इसको स्लो स्लो मूव कर रही हूँ। थोड़ी सी ऐसे इसकी आईब्रो पे भी लग गई है तो मैं इसको बाद में सेट कर लूँगी। अंडर आई पे भी आप लगा लें ताकि अंडर आई पे भी अच्छी तरह से आपकी कंसील हो जाए। अब इसके बाद मैं अपनी आईज़ को शेड दूँगी ग्लैमरस फेस की। ये पैलेट है मेरे पास, जो पैलेट है इसके अंदर ब्लशेस और आई शेड्स दोनों हैं। 9 ब्लशेस हैं इसके अंदर, ब्राउन्ज़र भी है, कंटूर शेड भी है और ये इसके अंदर 24 शिमर शेड है, 24 मैट शेड है। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ग्लैमरस फेस के कलर बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। अब मैं अपनी आईज़ के ऊपर ये लाइट ग्रीन कलर अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे कपड़ों का कलर भी लाइट ग्रीन है। मुझे सॉफ्ट लुक रखना है, मुझे डे पार्टी में जाना था तो मैंने चाहा आप लोगों के साथ अपना ये मेकअप ज़रूर शेयर करूँ। इस मेकअप की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसके अंदर ना कोई इतनी डेप देनी है, ना ही अपने आउटर एरिया को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करना है। बस मैं आपको दिखा रही हूँ जिस तरह से मैं करते जाऊँ ताकि दिन में हमें बहुत शार्प मेकअप की ज़रूरत नहीं होती और ये है कि लाइट मेकअप से हम दूसरों को भी अच्छे लग रहे होते हैं। सी माय आईलेट कितनी सॉफ्ट लग रही है कि जो लाइट ग्रीन मेरी नज़र आ रहा है आपको इस डार्क के बराबर में है, तो वो मैंने यहाँ अप्लाई कर लिया है। विद द हेल्प ऑफ फिंगर मैं इसको इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इससे नेचुरल और सॉफ्ट लुक आएगा। ब्रश के साथ करना होता तो, अगर आपको ब्रश के साथ इजी रहे तो आप ब्रश के साथ कर लें, मगर मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। कितनी ज़्यादा फ्लो आ रही है, हाउ नाइस फ्लोलेस। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ दिस छोटू ब्रश मैं अपने आई कॉर्नर को, आउटर साइड पे जो मेरा आई कॉर्नर है, इसको मैं लाइट इसी पैलेट का कॉफ़ी शेड है वो अप्लाई कर रही हूँ। बहुत लाइटली अप्लाई करना है कि आउटर कॉर्नर की जो आई की है वो थोड़ी इन्हेंस हो जाए शेड। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाना, ना बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई करना है, नहीं तो फिर हमारा ये लुक बहुत ज़्यादा शार्प आएगा, बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल लुक नहीं आएगा। और मैं चाह रही थी कि मैं अपने लुक को थोड़ा सॉफ्ट रखूँ। आप कहीं भी जाएँ, डे सेरेमनी हो, कोई भी फेस्टिवल हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग योर शेड योर ड्रेस अपना कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। देखें, मैंने आपको जूम करके भी दिखाया है कितने नियरेस्ट और नेचुरल लुक आ रहा है मेरी आई का। अब मैं इसके बाद फ्लफी ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ।
बहुत सॉफ्ट हाथों से आपको ब्रश की टिप से, नहीं ब्रश को थोड़ा सा दूर से पकड़ के इसको ब्लेंड करते चले जाना है। अब इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है और उसको उठाकर पहले मैं हल्के से अप्लाई कर दिया ताकि मेरा और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर एनहांस हो जाए। लुक माई आईलिड, हाउ नाइस इज फ्लॉलेस, यू कैन सी। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको आईलाइनर अप्लाई करना बता रही हूँ। ये एवॉन का लाइनर है, इसको मैंने थोड़ा सा वेट किया है ब्रश के ब्रिसल्स को और उसके बाद मिडिल ऑफ द आईलिड मैंने इसको स्टार्ट किया है। वो गर्ल्स जिनको आईलाइनर अप्लाई नहीं करना आता या जिनको प्रॉब्लम होती है, तो ये बहुत सिंपल और बहुत ज़्यादा यूनिक टेक्निक है, ईजी टेक्निक भी है ये। इसको मिड ऑफ द आईलिड आपने ब्रश को रखे और बैक तक लेके जाना है। बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगाना, मैं इसको थिन लाइन इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि ये मेरा नेचुरल लुक थे। और आप देखें फ्रंट से लेके मिड तक मैंने इसको आपस में एक दूसरे से मर्ज कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया बिल्कुल एक दूसरे के साथ। पूरी मेरी फ्रंट टू बैक एक बिल्कुल क्लियर सी लाइन क्रिएट हो गई है। यू कैन सी वेरी वेल दिस आउटलाइन इज़ वेरी नेचुरल लुक हियर। मैं इसका कोई आउटर कॉर्नर नहीं बनाऊंगी, ना कोई एंगल करूंगी इसको ना इसकी, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी लुक देनी है। अकॉर्डिंग टू डे मतलब मुझे ये याद रखना है कि मेरा लुक बिल्कुल ऐसा है कि मुझे बिल्कुल इसके अंदर शार्पनेस नहीं देनी, ना कोई ज़्यादा कंटूर करना है अपनी आई को, ना बहुत डीप देनी है। अच्छा, अब ये मैं इनर साइड पर यानी कि टियर डॉट पर सिल्वर कलर का हाइलाइटर मैंने अप्लाई करा है। अब यही मैं हाइलाइटर अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बहुत लिटिल अमाउंट में हमने ये लेना है और इसको अपनी आईब्रोज के साथ ब्लेंड करते चले जाना है। जो ब्रश में लगा होगा इसी को लेते हुए हमें आगे से और बैक से बिल्कुल ब्लेंड करते चले जाना है। देखें कितना सॉफ्ट लुक आ रहा है, कोई इसमें ये नहीं है कि हाँ इवनिंग मेकअप है या कुछ है। अब ये क्लोसल मैबलिन की काजल पेंसिल स्टिक है, इसको मैं अपनी वाटर लाइन पे इससे काजल लगाऊंगी ताकि मेरी थोड़ी सी नीटनेस आ जाएगी, मतलब एक आँख को एक उबो हो जाएगी। मतलब कितनी ज़्यादा अच्छी आपकी लुक आ रही है आई की। ये रेवलॉन वॉल्यूम एजिंग मस्कारा है जो मैं अपनी आईलेश पर अप्लाई करने जा रही हूँ। ये वाटर प्रूफ है, इसको 2 से 3 मिनट तक आप इसको ड्राई करेंगे, उसके बाद जब आप अपना मुंह धोएंगे तो ये बिल्कुल भी आपकी लेज से हटेगा नहीं, स्टिक हो जाता है अच्छे से। ये हमें मस्कारा बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं अप्लाई करना, लाइटली अप्लाई करना है, वो इसलिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा शार्प मेकअप नहीं दिखाना अपना। ये मेकअप ज़्यादातर कॉलेज गर्ल्स और स्कूल्स गर्ल्स कैरी करती हैं क्योंकि वो छोटी लड़कियां हैं, छोटी गर्ल्स हैं, उनकी एज भी छोटी होती है, तो इसलिए मैंने उनको दिखाया है। थोड़ी सी मेरी आईलैशेस ख़राब हो गई है, मैं सेट करती हूँ अभी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।